नमस्कार। क्या आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में राजसमंद में कांग्रेस की कमान सुदर्शन सिंह के हाथ में जाने वाली है? क्या वो इस लोकसभा क्षेत्र में अब कांग्रेस का चेहरा बनने वाले हैं? ये चर्चाएं लगातार राजसमंद की राजनीति में अब बड़े जोर शोर से चल रही है। अखबारों की कुछ लाइनों ने इस चर्चा को और भी बल दिया है। राजसमंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष से भी हमने बात की, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। उन्होंने भी कहा है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है। हालांकि इस पूरे विषय पर एक दिन पहले मैंने इशारों में हरी सिंह रावत से भी बात की थी। उस दिन उन्होंने कहा था कि देखिए क्या होता है, बड़े राजनीतिक व्यंग्य उन्होंने कसा था। मगर कुल मिलाकर जो मामला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि सुदर्शन सिंह आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चेहरा राजसमंद से हो सकते हैं। साथ ही अगर ऐसा होता है तो इस बात की संभावनाएँ भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मुकाबले में दिखाई दे सकती है, क्योंकि पिछली बार का जो मार्जिन रहा था तकरीबन 5.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय रही थी, तो उसको देखते हुए स्थितियाँ परिस्थितियाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लग रही है। और वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में दिखाई देती है, जब अब प्रदेश में सत्ता भी भाजपा की है और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के 8 के 8 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए बड़े आवश्यक हो गया था कि किसी मजबूत चेहरे को चुनाव में उतारा जाए, एक ऐसा चेहरा जो चुनाव लड़ने का अनुभव रखता हो, राजनीतिक रूप से बड़े राजसमंद की राजनीति की परख रखता हो। तो हो सकता है ऐसे चेहरे के रूप में सुदर्शन सिंह का नाम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो कोई आश्चर्य की बात होनी नहीं चाहिए। हालांकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उनके लिए परिणाम बड़े प्रतिकूल आए हैं। एक ऐसा मार्जिन उनको देखना पड़ा है हार के रूप में, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तकरीबन 32,000 का मार्जिन रहा है, परंतु उसके बावजूद इस बात में कोई दोराय नहीं है कि अगर वो आते हैं तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में, थोड़ा सा बेहतर हालात में इस चुनाव में देख सकती है। परिणाम क्या रहेंगे वो तो खैर भविष्य का विषय है, मगर सुदर्शन सिंह क्योंकि पुराने राजनीतिक परिवार से आते हैं, 5 साल सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के माध्यम से वो एक अच्छा यहाँ चुनाव का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस बारे में हमने कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरी सिंह राठौर से बात की, पहले तो सुनिए वो क्या कहते हैं, उसके बाद में हरी सिंह रावत के उस व्यंग्य की तरफ भी लिए चलूंगा। आज के जो अखबार है उनकी सुर्खियां बता रही है कि राजसमंद से लगभग सुदर्शन सिंह का नाम फाइनल हो गया है, इसको लेकर क्या अपडेट है? हमारे बहुत नौजवान ऊर्जावान एक विधायक के रूप में जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए विकास के काम करने में, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में एक भी ऐसा विधायक नहीं होगा जिसने इतने ज़्यादा विकास के काम किए इन 5 साल की उम्र में। तो ऐसा उम्मीदवार हमारे आता है तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। तो विधायक का चुनाव 32,000 के बड़े मार्जिन से हार गए। हारते चुनाव हारने का तरीका और वो अलग अलग मायने होते हैं, जहाँ भी राजस्थान विधानसभा के मायने अलग थे, अभी देश के चुनाव होने लोकसभा के मायने अलग है, दोनों में बहुत अंतर। तो ये थे हरी सिंह राठौड़, बड़ा ही यकीन जता रहे थे सुदर्शन सिंह रावत के नाम में, मगर ये यकीन हरी सिंह रावत की बातों में नहीं दिखाई दिया था। जब हमने एक दिन उनसे इशारों में पूछा था कि हो सकता है भीम की तरफ से कोई चेहरा आए, तो उनका कहना था मुझे तो लगता नहीं है और हार का मुंह देखना होगा तो सामने आ जाएंगे। सुनिए आखिर वो भी क्या कहते हैं, वो चुटकी भी सुनना ज़रूरी है। सुनने में आ रहा है हो सकता है कांग्रेस से जो चेहरा कहीं ना कहीं उस तलाश में भीम की तरफ से भी कोई दावेदार निकल के आ जाए। मुझे तो कोई लगता नहीं, अगर हारने का मुंह देखना तो जरूर आए हैं वो। तो देखा आपने, तमाम राजनीतिक दाव पेज भी शुरू हो गए हैं, अपने अपने दावे भी दिखाए जा रहे हैं, मगर इन दावों के बीच में ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर अखबारों की सुर्खियों को पैमाना बनाया जाए, कि सुदर्शन सिंह रावत अगली बार लोकसभा चुनाव के चेहरे हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा कौन होगा, उस पर भी बड़ी पैनी निगाहें रखी जाएगी। जातीय समीकरण किस प्रकार से आगे धीरे धीरे सदते और किस प्रकार से ये किस दिशा में जाते दिखाई देंगे, उस पर भी निगाह बनी रहेगी। मगर अभी अखबारों की सुर्खियाँ और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के जो विश्वास है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजसमंद में कांग्रेस की तरफ से सुदर्शन सिंह दौड़ में बढ़त बनाए हुए हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।